हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल. गुड मॉर्निंग निश्चय, पुष्कर, विराज, श्रेय, श्याम, रजनीश. यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. सिद्धांत, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी वेट फॉर ऑल रिमेनिंग स्टूडेंट्स फॉर मोर देन 5 मिनट्स. So instead of wasting much time, let us begin with the sum now. Okay, now we are at the end of the unit. So the last topic which we have started is, I think, binary division, and I have given you a homework example, and that was 1100 to the base 2 divided by 11 to the base 2. Okay. So let me ask first, how many of you have solved it? How many of you have got the answer? Okay, and whether do you have any difficulty in solving it? Okay, just ping me up in the chat box. अगर कुछ problem है तो हम लोग ये sum ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग next sum लेंगे. Okay, so just give me your feedbacks immediately so that we can think of whether we can go for next sum or shall we solve this sum only. Guys, reply fast, we don't have that much time today. I am finishing up unit number 2. Okay, hello, am I audible? Yes, am I audible? Okay, so am I audible? Yes, so tell me now whether you have completed the sum. Nahi kiya hai to no bol do na, hum log solve kar lenge usko jaldi se. What's the big deal into it? Agar nahi kiya hai homework as usual school ke bachcho ki tarah, to it's okay, no issues. अभी हम लोग तो ऑफलाइन भी नहीं है ना, कि ताकि मैं आके आपके दिमाग में एक टपली मार दूं वहां पे, अरे क्यों नहीं किया. इट्स नॉट लाइक दैट. आई एम नॉट एबल टू गिव यू एनी पनिशमेंट्स एंड आई डोंट वांट टू गिव पनिशमेंट्स आल्सो, सो दैट्स ओके फॉर मी. नो आंसर्स, ओके, देन आई विल स्किप दिस सम. ओके, I will skip this sum. I'm doubtful whether I am audible or whether you are audible. You people are able to hear me or not, because I am not getting any answers. So I'm doubtful whether most of the people are attending the session or not. ओके, 18 डिवाइडेड बाय -7 इज द नेक्स्ट सम दैट वी आर गोइंग फॉर. ओके, but before going for it, at least those who have solved this previous sum, this sum, whether you have got the correct answer, those who have solved 1 2 3 people, have you got the correct answer for it? Okay, okay, theek hai, let us go for this 18 divided by -7. Okay, 18 divided by -7. ओके, चलो अभी 18 को हमें कन्वर्ट करना है 2 में, ठीक है?
तो हम लोग कैसे करेंगे, 1, 2, 4, 8, 16, तो मेरा नंबर क्या आया, 10010, है ना। तो व्हाट्स द क्यू, क्यू इज 10010 टू द बेस 2। ओके, तो ये हो गया हमारा क्यू। उसके बाद में एम, एम इज -7 टू द बेस 10, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 2 में कन्वर्ट करना है ना। तो 2 में कन्वर्ट करने के लिए -7 का, ठीक है, -7 का हमें निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो -7 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, +7, है ना, इसका होगा +7। अभी आप ये देखिए, ये 5 बिट है, ठीक है, n इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है, तो बोरो के लिए हमें m इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, n+1, यानी m शुड बी 6 डिजिट, ठीक है। तो अभी मैं ये जो कर रही हूँ, तो मेरा 0111, ये तो मेरा +7 हो गया, 4 डिजिट, ठीक है ना। तो -7 को करने के लिए एक तो आप 2's रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए उसका, ठीक है, अगर आपको पता है तो, नहीं तो ये +7 जो है, ठीक है, ये जो +7 है जो मैंने अभी, ये 3 1 more 0 यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा, ठीक है, एक मिनट फिर से लिखती हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एम आई करेक्ट, ठीक है। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये है हमारा +7 नंबर, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, एड करो इसमें 1, एक मिनट, ये 8 डिजिट हो गया, हमें 6 डिजिट करना है, सॉरी 3 और वही मैं सोच रही हूँ, मेरा क्या गलत हो गया, ठीक है, ये 6 डिजिट करना है, m इज इक्वल टू 6, है ना। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 करेक्ट है, चलो 1, 0, 0, 1, 1, 1, तो यानी मेरा -7 का रिप्रेजेंटेशन हो गया 1, 1, 1, 0, 0, 1 टू द बेस 2, ठीक है। और इसका हम लोग -7 निकालेंगे, अभी -m निकालेंगे, तो -m तो हमारा ये हो गया, है ना, तो 0, 0, 0, 1, 1, 1, समझ में आ गया हम लोगों ने कैसे निकाला, समझ में आ गया आप लोगों को, ओके, यस। अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, क्या है हमारे सी ए सी, मैं ये साइड में लिख लेती हूँ कहीं, तो नहीं तो ठीक है मैं इधर ही करती हूँ, फिर ये क्यू, और यहाँ पे हो गया मेरा ये ऑपरेशन, ठीक है। अभी मेरा सी क्या है, 0, एसी क्या है, एसी मेरा कितना होगा, 5 बिट, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, क्यू क्या है, 1, 0, 0, 1, 0, व्हाट्स द फर्स्ट ऑपरेशन, शिफ्ट लेफ्ट, है ना, फर्स्ट ऑपरेशन हमारा शिफ्ट लेफ्ट है, करेक्ट है, हाँ, भूल नहीं गए ना, चलो शिफ्ट लेफ्ट करो, ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया मेरा क्यू 0 रेडी, है ना, यहाँ पे आ गया 1, 0, 0, ये 1 मेरा आ गया यहाँ पे, बाकी सब 0। शिफ्ट लेफ्ट के बाद हमें क्या करना है, सी ए सी इक्वल टू ए सी प्लस ऑफ माइनस एम, तो सी ए सी चलो लिखो 0, 0, 0, 0, 0, 1, माइनस एम इज
दिस वन है ना, जीरो 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 वन वन वन. ओके बोर्ड विजिबल है ना. चलो वन प्लस वन जीरो कैरी वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन जीरो कैरी वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन जीरो कैरी वन, जीरो प्लस वन, वन प्लस जीरो वन, जीरो जीरो. तो ये आ गया आपका सी बिट और ये आ गया आपका ए सी बिट. तो सी इज जीरो, ए सी इज जीरो वन जीरो 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 और क्यू एज इट इज जीरो जीरो वन जीरो. ठीक है, इफ सी इज इक्वल टू जीरो तो क्यू क्या हो गया आपका वन, और अगर क्यू आपका क्यू जीरो वन हो गया तो सॉरी, और अगर आपका क्यू जीरो वन हो गया तो फिर आपको कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है. एम आई करेक्ट, है ना. तो चलो ये जीरो जीरो वन जीरो 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 वन जीरो और ये जीरो हो गया यहाँ पे वन और ये हो गया आपका साइकिल वन फिनिश्ड. एम आई करेक्ट. Am I correct? समझ में आ गया. फर्स्ट साइकिल हम लोग यहाँ पे निगेटिव नंबर से कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में उसका डिफरेंस आएगा, रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेम. ओके है ना. चलो अभी आप सेकंड साइकिल करो, स्टार्ट विथ सेकंड साइकिल. सेकंड साइकिल स्टार्ट करो सब लोग. अभी आप लोग मुझे बताओगे सेकंड साइकिल का क्या है. ठीक है, यू विल टेल मी अबाउट सेकंड साइकिल. स्टार्ट करो सॉल्व करना. फर्स्ट ऑपरेशन क्या आएगा, शिफ्ट लेफ्ट है ना. चलो करो शिफ्ट लेफ्ट. चलो कर रहे हो ना आप लोग, आर यू सॉल्विंग इट. आर यू सॉल्विंग ऑल ऑफ यू. यस फाइनल आंसर आ गया. क्या आ रहा है फाइनल आंसर.
कितने लोगों का आंसर आ गया साइकिल टू का? साइकिल टू आ गया? यस, मेरा आंसर सेम आया है क्या आपकी तरह? क्या आपका और मेरा आंसर सेम है? वेरी गुड, वेरी गुड, यानी मैंने करेक्ट सॉल्व किया है ना? यस, वेरी गुड। ये जब c इज इक्वल टू जीरो आता है ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसके बाद में मुझे a प्लस m नहीं करना पड़ता है ना, तो आई एम वेरी हैप्पी। जितने स्टेप्स कम हो उतना मजा आएगा। और यहाँ पे आपको पता है n इज इक्वल टू 5 है तो हमारे कितने साइकिल्स होंगे? 5 साइकिल्स होंगे, करेक्ट ना? चलो लेट्स गो फॉर साइकिल नंबर 3। ओके, लेट्स गो फॉर साइकिल नंबर 3। मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताने वाले हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ। ओके सिद्धांत, ये आपका 10010 एसी आया है क्या? एसी इज इक्वल टू उतना आया है क्या आपका? ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 10010। और आपका सी क्या आया बेटा? सी बताओ क्या आया है, और क्यू भी बताना, ठीक है? सी इज इक्वल टू जीरो आया, वेरी गुड। तो फिर आपका क्यू कितना आया? 10111 है ना, यहाँ पे आया आपका 10111, ये आपका क्यू आया होगा। एम आई करेक्ट सिद्धांत? नो मैम। नो मैम, पहले वो वन आता है, शिफ्ट लेफ्ट के बाद सी वन आता है, तो उसके बाद फिर से साइकिल कंटिन्यू करने के बाद जब तक सी जीरो नहीं आता तब तक किया मैंने। पार्डन, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे सिर्फ ये साइकिल, अभी हमारा कौन सा साइकिल चल रहा है? 3 ना? साइकिल का साइकिल नंबर बताओ, सी क्या है, एसी क्या है और क्यू क्या है? मैम क्यू 0110 है। 0101 ओके, अच्छा ठीक है, आ सकता है आपका, क्योंकि बीच में आपको एसी सी एसी इज इक्वल टू एसी प्लस ऑफ माइनस एम करना है, तो आपका आंसर चेंज हो सकता है। क्या सबका आंसर यही आया है सिद्धांत जैसा? चेक कीजिए आपका आंसर क्या आया है। उसके बाद में अभी ये डिवीजन का लास्ट सम है, क्योंकि एक हमें नेगेटिव नंबर का लेना था तो इसलिए मैंने ये लिया है, और फाइनल हम लोग अभी जाने वाले हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो साइकिल 3, 4, 5, और 5 में आपका आंसर, जैसे ये 18/7 है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो आपका रिमाइंडर आना चाहिए 4, और आपका क्वेश्चन आना चाहिए 2, ठीक है? चलो सब लोग फास्ट फास्ट सॉल्व करो, इसके बाद में हम लोग चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन।
चलो रिमाइंडर कितना आया आपका देखो. जल्दी जल्दी चलो कम ऑन ऑल ऑफ यू. गणेश, सूरज, श्रिया, पुष्कर, श्याम, सिद्धांत, विराज, पुष्कर, आर्यन, अनिरुद्ध. अनिरुद्ध कैन यू एबल टू हियर मी टुडे? यस मैम. यस तो अनिरुद्ध आर यू सॉल्विंग बेटा? Yes, ma'am. Okay. So you will be gonna tell me the final answer, huh? Right. Yes. Abhishek Kumar Prasad. Abhishek. Are you there, Abhishek? Yes, ma'am. Okay. Are you solving? Yes, ma'am. Okay. Do you understand the things which I am going to take in every lecture? जोरी कुछ होता है तो समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ समझ में आ रहा है मैम. तो समझ में नहीं आता तो मैं बोलता हूँ. ठीक है. चिन्मय, चिन्मय, are you there? चिन्मय चौधरी. चिन्मय बेटा लॉग इन करके चले गए क्या कहीं? चिन्मय चौधरी मुझे लगा आप लॉग इन करके चले गए नाश्ता करने. अच्छा व्हाई डोंट यू अनम्यूट योरसेल्फ? ये जब आप सी ए सी सुनो नील. ओके सी ए सी के बाद जब ए सी प्लस एम करते हो ना बेटा. ओके ए सी प्लस एम करते हो फाइनली. ठीक है फ्लो चार्ट देखो ये ए सी प्लस एम कब करते हो आप? एट द एंड ऑफ द साइकल एंड ऑफ द लूप. इसके बाद में आपको काउंट चेक करना है. अगर आपका काउंट जीरो हो गया तो आपकी प्रोसेस एंड हो जाती है. लेकिन अगर आपका काउंट जीरो नहीं हुआ तो आपको फिर से कहां से चालू करना है? शिफ्ट लेफ्ट से. समझ में आया नील? समझ में आया? ओके चलो. निशांत चौधरी. निशांत. Yes, ma'am. Yes. Are you getting whatever we are doing in a class? Yes, ma'am. Okay. And are you solving the sum? Yes, ma'am. Okay. अगर मैंने अभी आपको बोला कि आपकी स्क्रीन शेयर करो और मुझे दिखाओ आपने बुक में क्या सॉल्व किया है तो आप कर सकते हो? मैम मैं अभी पीसी पे हूँ तो मैं फोन में बोलेगा कि चला. हाँ तो अच्छा है ना पीसी पे पर कैमरा नहीं होगा फिर पीसी पे है ना? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. तो फिर हम लोगों के पास ऑप्शन है ना मोबाइल से लॉग इन करने का और दिखाने का क्या किया है मैम ने मैम को है ना. प्रांजल, प्रांजल हैव यू गॉट द आंसर? प्रांजल हैव यू गॉट द आंसर? प्रांजल, प्रांजल कटोरे. प्रांजल आर यू देयर? यू आर नॉट देयर. ओके आई थिंक प्रांजल हैज गॉन फॉर द ब्रेकफास्ट. इज इट सो? और कौन कौन गया है ब्रेकफास्ट करने? प्रथमेश परिहार
आर यू प्रेजेंट? प्रथमेश ओके वेरी गुड. चलो प्रांजल को कोई तो मैसेज दे देना कि मैंने उनको बोला था कि आप कहाँ हो करके. ठीक है, somebody please give her a message. Okay, so I think without wasting much of the time, let us move ahead for our last topic. Okay, so you have got the answer, Suraj? You have got the answer? Yes. Four. Two. नहीं. अभी ये जो आपका आंसर आया है 10101 तो कितना, एक मिनट मैं नोट डाउन कर लू आपका आंसर. आपका एसी आया 10101 और आपका क्वेश्चन आया 11011. ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1 2 4 8 and 16 प्लस 4 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21 आ गया आपका, है ना. और ये कितना आया 1 प्लस 2 इज 3, 16 प्लस 8 ये आ गया आपका 27, है ना. तो क्या आपका आंसर आया करेक्ट? नहीं आया ना, नहीं आया आपका आंसर. हाँ यस, फिर से ट्राई करो. चलो अभी आप ये बात में ट्राई करना सभी लोग. ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए जो हमारा लास्ट पॉइंट है, विच इज कॉल्ड एज द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अभी हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, फिक्स पॉइंट नोटेशंस. हम लोगों ने अभी तक जो भी नोटेशंस देखे, टूज कॉम्प्लीमेंट, बायस रिप्रेजेंटेशन, टूज रिप्रेजेंटेशन, ये भी सब जो हमने देखा दैट इज कॉल्ड एज द फिक्स पॉइंट नोटेशंस. ओके, इट इज कॉल्ड एज द फिक्स पॉइंट नोटेशन. अभी इससे क्या होता है, हम लोगों ने पॉजिटिव से लेके निगेटिव तक सारे नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए. ठीक है, वी हैव रिप्रेजेंटेड ऑल द नंबर्स विच रेंज फ्रॉम पॉजिटिव एंड विच एंड्स एट द निगेटिव नंबर्स. तो ऑल आर द इंटीजर नंबर्स एंड विच आर इन द जीरो एंड वन फॉर्मेट, दैट वी हैव रिप्रेजेंटेड वेल अप टू द प्रीवियस टॉपिक. ओके, हियर वन मोर थिंग वी हैव मिस्ड आउट इज द फ्रैक्शनल. ठीक है, तो हम लोगों ने एक फ्रैक्शनल सम भी सॉल्व किया था, जैसे 1101.10 प्लस 0010.01. हम लोगों ने ऐसे सम भी सॉल्व किया है. दैट मीन्स विद दिस फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इवन सच फ्रैक्शनल नंबर रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, बट दिस पर्टिकुलर फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन, फिक्स्ड नंबर रिप्रेजेंटेशन मे हैव सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस, दैट इफ द नंबर, ओके, व्हाट इज द लिमिटेशन टू फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज, इफ द नंबर इज लेट अस से 976 इनटू 000000000000 इक्वल टू व्हाट. ठीक है, और इफ द नंबर इज 0. ओके 0.000000000000976. ठीक है, अगर ऐसा नंबर रहा तो क्या. ठीक है, तो चलो ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, और 12 13 14. तो अगर मैं इस नंबर को लिखू 9.76 raised to 10 raised to 14. ठीक है, और अगर मुझे इसको लिखना है तो 9.76 into 10 raised to -14. ठीक है, तो अगर मुझे
if I wanted to represent such a large number, okay, if I wanted to represent such a large number from decimal to convenient representation, then it will be a problem with the fixed point notations. So with fixed point notation, I cannot able to represent such a big number over here. So for that purpose, what's the option? So here the option is we can use this floating point representation, where I can represent the number as IS multiplied by B raised to plus minus E. Okay, IS into B raised to plus minus E. So this number can be stored in a binary word with these three fields. Okay, where this S stands for significant. S stands for significant. E stands for exponent. Okay, exponent. And this plus minus sign is treated as the sign. Okay, it is treated as the sign. I doesn't have any kind of meaning into it. Okay, for us this S, this B is the base. Okay, this B is the base. So this 10 raised to 14 is B is nothing but the base value. Okay, B is nothing but the base value. ठीक है, तो इसमें अगर मुझे कोई रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, इसमें अगर मुझे कोई रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं कैसे करूंगी? ठीक है, तो मेरा जैसे टिपिकल 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट रहा, ठीक है, अभी हमको दो फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट करने हैं, एक होगा 32 बिट और एक होगा 64 बिट, ठीक है. तो अगर मुझे 32 बिट करना है तो 32 बिट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो ऐसा होगा, ये देखिए, ये एक होगा यहाँ पे एक और यहाँ पे होगा ये तीसरा. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन है. तो कैसे होगा इसका? ये जो फर्स्ट बिट है वन बिट, वो होगा साइन ऑफ सिग्निफिकेंट. This is called as sign of significant. ठीक है, this is bias exponent. ठीक है, और ये होगा आपका significant. ठीक है, ये आपका 8 bit representation है. ठीक है, और ये है आपका 23 bit representation. ठीक है, 23 प्लस 8 कितना हुआ? 23 प्लस 8 कितना हुआ? 31 हो गया, है ना. अभी इसमें ये एक बिट ऐड करो, ये आपका वन बिट है, तो कितना हो गया आपका? 32 बिट का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया. ठीक है, इसमें आपको आपकी जो एक्सपोनेंट वैल्यू है, ओके, यहाँ पे अभी आपको एक नीचे आप लिख लो, ये जो आपका एक्सपोनेंट वैल्यू है, दिस एक्सपोनेंट वैल्यू रेंज फ्रॉम 127 माइनस 127 टू प्लस 127. ठीक है, और मोस्टली इसका बेस इज इक्वल टू 2 रहेगा. ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? ओके, ये आपका बायस्ड, ठीक है, और अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है. देखिए, इसमें टेंशन मत लीजिए, हम लोग इसका जब सम सॉल्व करेंगे ना, तब आपको आराम से समझ में आएगा. ठीक है, इतना यहां तक अगर आपने ये लिख लिया होगा एटलीस्ट, तो हम लोग सम की तरफ चलते हैं. ठीक है, इतना आपने नोट डाउन कर लिया है? एवरीवन, हैव यू नोटेड इट डाउन? ओके, तो चलो अभी हम लोग देखिए, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करने से पहले उसके रिप्रेजेंटेशन में उसके तीन पार्ट्स होते हैं. ठीक है,
कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के तीन पार्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द मैंटिसा, ठीक है. सेकंड पार्ट इज द बेस एंड थर्ड पार्ट दैट मीन्स इट इज एक्सपोनेंट वैल्यू, ठीक है. तो चलो अभी अगर मैं एक नंबर लेती हूँ, यहाँ पे मेरा नंबर मैं ले रही हूँ सपोज 3×10^6, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते कि इसमें से मैंटिसा कौन सा है, बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं नोट करूंगी मैंटिसा वैल्यू, यहाँ पे मैं नोट करूंगी बेस और यहाँ पे मैं नोट करूंगी एक्सपोनेंट, ठीक है. ठीक है, चलो अभी इसमें मैंटिसा है ये 3, ठीक है. बेस क्या है 10, एक्सपोनेंट क्या है 6, ठीक है. चलो अभी ये सेकंड सम आप सॉल्व करो. सेकंड है 110×2^8. What's the mantissa? What's the mantissa? What's the mantissa? Yes, 110. What's the base? Base is? Very good. Base is 2, correct. And exponent value is 8. वेरी गुड. चलो और एक करते हैं, ठीक है. चलो बताओ अभी इसमें मैंटिसा इज 248, ठीक है. वेरी गुड. बेस इज 10, यस. एंड एक्सपोनेंट इज 5, करेक्ट, ठीक है. अभी मैं आपको एक लास्ट सम दे रही हूं. 6132.784. In first problem, base should be 10. Yes, I'm sorry. That's correct. चलो अभी यहां पे करो. मैंटिसा क्या आएगा? What's the mantissa? अभी हम लोग ये जो फ्लोटिंग पॉइंट, यस सूरज यू आर वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट, यस करेक्ट. नील, निकिता, वेरी करेक्ट. 6132.784, बेस इज 10 एंड 123, सो हियर इट इज -3. ट्रू, करेक्ट, ठीक है. चलो अभी आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो ये नंबर का मैंटिसा, बेस और एक्सपोनेंट ढूंढने में, ठीक है. अभी हमें क्या करना है एक्चुअली, अभी हम लोग IEEE का 754 फॉर्मेट स्टडी करेंगे और आपको जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर को आपको एक्सपोनेंट, मैंटिसा और साइन बिट में नंबर को डिवाइड करना है. बस इतना ही करना है आपको, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है उसमें. मैं अभी आपको बताऊंगी आपको कैसे करना है. सबसे पहले आप लोग क्या करिए, ये सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट आप यहाँ पे पहले लिखिए टाइटल में IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन. इतना अच्छे से लिखो,
चलो ये लिखो, ठीक है। उसके नीचे आप ए करके लिखोगे, सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट, ठीक है। उसमें आप लिखोगे सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट, जो होगा आपका 32 बिट का, ठीक है। ये आपका 32 बिट का होगा। एज यूजुअल यहाँ पे साइन बिट होगा जो 1 बिट का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 8 बिट का होगा और ये होगा आपका 23 बिट का, ठीक है। यहाँ पे होगा एक्सपोनेंट वैल्यू, सॉरी यहाँ पे होगा मैंटिसा, यहाँ पे होगा मैंटिसा और यहाँ पे होगा एक्सपोनेंट, इट इज द बायस एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 टू 22, 22 से 30, ओके, और यहाँ पे 31 से 32, ये हो गया आपका सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट जो आपका 32 बिट का रहेगा। इसी तरह से हमें क्या करना है, डबल प्रेसिजन फॉर्मेट, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट अच्छे से लिखने हैं क्योंकि बाद में आपको इसी फॉर्मेट में जो भी आपको नंबर मिलेगा इसी फॉर्मेट में आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। साइन एक्सपोनेंट मैंटिसा, ठीक है। अभी आप इसमें देखिए ये आपका आएगा 52 बिट्स, लेक्चर एक्सपोनेंट आएगा 11 बिट्स, ठीक है, और आपका ये साइन आएगा 1 बिट, ठीक है। 0 टू 51, 52 से 62, 63 से 64, ठीक है। ये आपका टोटल 32 बिट का है एंड दिस इज योर 64 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर, ठीक है। अभी आपको एग्जाम में कोई भी नंबर आएगा उस नंबर पे बेस्ट आपको पूछा जाएगा, राइट डाउन द सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट फॉर 1259.125 का बाइनरी कीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो अभी इसका जो सम है हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो सम आपको समझ में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ आपको एक और चीज समझाना चाहती हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया एवरीवन, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, ओके। चलो अभी ये कोई भी नंबर जब मुझे सिंगल प्रेसिजन डबल प्रेसिजन में करना है तो पहले मुझे उस नंबर का कोई भी नंबर दिया होगा उसका बाइनरी मुझे पहले निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मेरा नंबर है लेटर से 45.45, ये मेरा नंबर है, तो सबसे पहले मुझे 45 का बाइनरी ढूंढना पड़ेगा, टू द बेस्ट टू ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा नंबर है 1259.125, ये 10 नंबर को अगर मुझे इसके बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी, दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये नंबर को मुझे बाइनरी में करना है, 45 है तो फिर भी आप कर लोगे, 1 2 1 2 4 8 करके आप लोग कर भी लोगे, ठीक है। लेकिन अगर 1 2 5 9 टू द बेस्ट 2 है तो इस नंबर को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो नंबर है, एक मिनट मैं ऊपर लिख लेती हूँ, देखिए
ये जो 1259.125 टू द बेस्ट 10 है, इसको मुझे सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये दोनों डिजिट्स को अलग अलग कर लेती हूँ, इसको और इसको। पहले मैं 1259 का बाइनरी ढूंढूंगी, ठीक है, और फिर 0.125 टू द बेस्ट 10 का बाइनरी ढूंढूंगी। ये भी बेस्ट 10 है, इसका भी मुझे बाइनरी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो 1259 का बाइनरी हम लोग अगर मुझे ढूंढना है, ठीक है, तो बताओ आप लोग, कुछ आइडिया है आपको हम लोग कैसे ढूंढेंगे उसको, 1259 के बाइनरी को कैसे ढूंढेंगे? हम लोग कुछ ऐसा करते थे, अगर आपको याद होगा तो, यस, ओके, इवन हम लोग ये 0.125 को भी अगर मैं ऐसा करूंगी तो यहाँ पे मुझे कुछ नंबर मिलेगा, लेटर से 0.250, तो मैं यहाँ पे उसका जीरो निकालूंगी, तो इस मेथड से मुझे इसका बाइनरी मिलेगा, और इस मेथड से मुझे, अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा नंबर आ गया है ये वाला, ठीक है, तो 0.250 इंटू 2, ठीक है, तो वो मेरा आ गया 0.500, तो यानी यहाँ पे मैं फिर से जीरो लिखूंगी, फिर मैं 0.500 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगी, तो यहाँ पे मेरा आ गया 1.00, तो यहाँ पे मेरा आएगा 1, तो ये अभी 00 आ गया, तो 0.000 इंटू 2 इज ऑलवेज 0, यानी मेरा नंबर ये मुझे आ गया यहाँ पे, ये जो सेकंड नंबर है ये मुझे मिल गया है 0.100 125 का, और इसका हम लोग अभी ढूंढेंगे, ये जो नंबर है 0.125, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक आपको 0 नहीं मिलता, तो वो नंबर होगा आपका बाइनरी नंबर, और ये 1259 को आप डिवाइडेड बाय 2 करते जाओ, फिर जो भी नंबर आपको मिलेगा वो होगा आपका बाइनरी नंबर, ठीक है, समझ में आया? क्या आप लोग ये करोगे? अभी ये सम सॉल्व करो, देखो आपका आंसर क्या आता है। ओके, 1259 टू द बेस 2, ओके, चलो आप ये करो, एंड अगर नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो वी आर एंडिंग टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड वेल whatever we have done today. इसके बाद में हम लोगों को एक फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक भी लेना है, जिसमें हमें मल्टीप्लीकेशन डिविजन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा यूनिट नंबर 2 फिनिश हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव फॉर यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 के नोट्स मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, इसके बाद में मैं नेक्स्ट या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो, मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स एंड ट्राई टू गेट द बाइनरी नंबर ऑफ 1259, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे 1259 का बाइनरी नंबर दोगे, ठीक है, ढूंढो कैसे करना है। Okay, have you marked all of you your attendance? Have you marked your attendance, all of you?
Okay. If you have marked, then you can leave the class. Thank you so much. Swapnil, chalo mark your attendance fast. Now I am leaving the class. Thank you so much and good day.